हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो सभी को मैं स्वागत करते हैं जी मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज अगर हम फिर से अपडेट की बात करें जोजल पास के हवाले से, तो इस तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इसे रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लाते रहता हूँ। सो कमेंट करना दोस्तों, आप लोग अब किस साइड से आने वाला है, लद्दाख साइड से या कश्मीर साइड से, कहाँ से इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर हम आज बात करें, अगर मौसम ठीक रहा तो अभी तो फिलहाल मॉडरेट वेदर है। अब यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, पूरी तरह क्लाउडी एंड अगर बर्फ़ कम हो तो आज फिर से प्लानिंग एडवाइजरी यहाँ पे लद्दाख साइड से जारी किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मौसम पूरी तरह यहाँ पे क्लोज एंड बर्फ़ तो उतना ख़ास हुआ नहीं दोस्तों, जबकि कल रात 5 बजे से लेके 10:30-11 तक कंटिन्यू स्नोफॉल होते रहा, और ऐसे करते हुए यहाँ पे करीब 3-3.5 इंच तक बर्फ़ जमा है। सो उस हिसाब से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आज छोड़ेगी यानी, तो मैं आपको अपडेट्स ज़रूर दूंगा। बाकी प्लानिंग तो आज लद्दाख से छोड़ने का है। सो इतना ही दोस्तों, बाकी उम्मीद आपके छोटे से अपडेट पसंद आया होगा। देख सकते हो कितना ज़्यादा अभी बर्फ़ है जोजला एरिया में। सो मौसम तो पूरी तरह क्लाउडी। बाकी दोस्तों बस रोड भी इंशाल्लाह उम्मीद तो ये रखी कि ठीक रहेगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिस बिना पर ये बर्फ़ ख़त्म हो जाएगी जल्दी से अगर धूप निकलेगी तो। बाकी दोस्तों इतना आपसे मुलाकात होगी फिर से नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।